दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने इंडिया को तीसरा वनडे 43 रनों से हरा दिया। आपको बता दें, इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 240 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों, मैच के बाद टीम के कोच रवि शास्त्री ने हार के तीन कारण बताते हुए ये कहा है कि पहली बात तो हमारे बॉलर्स ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। हम अपने दो मेन बॉलर बुमराह और भुवनेश्वर को लेकर आए थे, जिसमें बुमराह ने तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वहीं भुवनेश्वर कुमार ने निराश किया और खलील अहमद ने भी काफी निराश किया। यही कारण है कि विंडीज का स्कोर 283 रन तक पहुंचा। दूसरा कारण यहां पे रवि शास्त्री ने बताया कि हमारे बल्लेबाजों ने भी वो नहीं किया जो हम चाह रहे थे, यानी कि उन्होंने कोहली का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। एक तरफ से कोहली रन बनाए जा रहे थे, लेकिन वहीं दूसरे तरफ से विकेट गिरते ही जा रहे थे। धोनी से सभी को बहुत आशा थी कि वो आज अपने आप को साबित करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। दोस्तों, तीसरा कारण शास्त्री ने बताया कि हमारी फील्डिंग भी आज काफी मामूली रही, हमने काफी रन दिए फील्डिंग में भी। युजवेंद्र चहल ने काफी खराब फील्डिंग की। तो दोस्तों, ये तो थे हार के तीन कारण जो कि मैच के बाद रवि शास्त्री ने बताए। अब आपको क्या लगता है, क्या चौथे वनडे में इंडिया कमबैक करेगा और विंडीज को हरा देगा या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी और भी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक लिए दोस्तों, हंसते रहिए। बाय बाय।